हाय नमस्कार, मैं मोनालिसा और आज मैं अपने ही मेकअप रूम में कैद हो चुकी हूँ जूम के साथ कि मेरे बैग में क्या क्या होता है। तो आइए देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें तो अभी नहीं हैं फिलहाल, बट जो भी है कम नहीं है क्योंकि इतना हैवी होता है तो मैं तो खुद ही सोचती हूँ कि इतना हैवी क्यों है। सो लेट्स सी व्हाट्स इन माय बैग। देख सकते हैं इतनी छोटी सी पर्स में भी इतना कुछ है, तो मैं क्या क्या अभी निकालूँ। सो दिस इज़ माय मेकअप पाउच, जो छोटी मोटी चीज़ें चाहिए होता है, बट देखिए बहुत कुछ है। इतने में भी मैंने सारा कुछ फेंक दिया। लिपस्टिक्स एंड यू नो आईलाइनर, लिपस्टिक्स, ये मस्कारा, लिपस्टिक्स एंड ब्लश ऑन, एंड मेरा कॉम्पैक्ट आई थिंक वो कहीं और है, एंड अ सिंपल आई शेडो। ये बेसिक है कि मतलब कभी भी मैं ऐसी नेचुरली अगर निकल जाऊँ और कहीं सडनली कहीं जाना पड़े तो एटलीस्ट बेसिक चीज़ें, बेसिक रिक्वायरमेंट्स मेरी पूरी हो जाए, तो इसीलिए मैं कैरी करती हूँ ये सारी चीज़ें। ये एक आप देख सकते हैं, ये क्लच, मैं कभी भी बाल ऐसे मुंह पे आ जाता है तो आई ट्राई टू यू नो टाई दिस अप लाइक दिस। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सिर्फ कोविड के बाद से ही नहीं, मैं बहुत पहले से ही मैं रखती थी क्योंकि ये टॉयलेट सैनिटाइज़र है, कभी भी किसी भी वॉशरूम में जाने से पहले आई थिंक हर एक लेडी को ये कैरी करना चाहिए, और मेरे लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हाइजीनिक हूँ। ये मेरा पाउच, वॉलेट यू कैन से कुछ, हाँ सबसे ज़रूरी, इससे मतलब बस 100 रुपये आप देख सकते हैं क्योंकि मैं ज़्यादा, हाँ क्योंकि डिजिटल है और ज़्यादा मैं कैश कैरी नहीं करती हूँ, सब कुछ तो अभी ऑनलाइन हो ही जाता है, कभी कभी फास्टैग नहीं चल रहा होता है उसमें मुश्किल हो जाता है कि तो कैसे मतलब हो जाता है, कभी कभी 180, 210 ऐसे हो जाता है और मेरे पास पैसे नहीं होते हैं, बहुत मुश्किल होता है, पेटीएम भी नहीं चलता है। सो मुझे हमेशा बोला जाता है कि कैरी कर लिया करो, तो यही है, हाँ लेकिन रखना जरूरी है। एंड दीज आर माई कार्ड्स एंड माई आई कार्ड्स एंड ड्राइविंग लाइसेंस, बहुत इम्पोर्टेंट है, हाँ कुछ बिलीव के चीज़ें भी है रखी हुई हूँ। तो हाँ ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चार्जर, मैं इतना एक्टिव रहती हूँ फ़ोन पे, हमेशा मेरा चार्ज ख़त्म हो जाता है, अभी भी आप देखोगे ना तो चार्ज एकदम कम है, देखिए ऑलरेडी हाफ से भी कम हो गया है, तो चार्जर कैरी करना कभी कभी भूल जाती हूँ तो मुझे लोगों से मांगना पड़ता है सेट पे, और आईफोन तो अभी हर किसी के पास ही होता है। तो हाँ ये माउथ फ्रेशनर या और ये एक लोशन, कभी कभी बहुत ऐसे ड्राई हो जाता है स्किन वगैरह, एंड दिस इज़ अगेन यू नो टॉयलेट सीट के ऊपर अगेन फॉर माय हाइजीन थिंग, और भगवान जी को मैं हमेशा अपने साथ लेके जाती हूँ। मैं कोलकाता से हूँ तो जब माँ काली का यू नो आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है, ये बाबा बड़ो काछारी है, मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ, जब भी मैं कोलकाता जाती हूँ तो इनके यहाँ मैं ज़रूर विज़िट करती हूँ क्योंकि ये बहुत है मेरे लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं और ये बाबा लोकनाथ है तो हाँ। और ये लेमोलेट, अभी कुछ दिन पहले मेरा ना बारिश का सीक्वेंस चल रहा था तो मैं भीग जाती, तो मैं नॉर्मली हॉट वाटर से ही हमेशा मैं शावर लेती हूँ, तो बारिश की वजह से मैं पहले हमेशा जब मैं बारिश का सॉन्ग भी करती थी पहले तो मैं यू नो पैरासीटामॉल हमेशा खा के ही फिर जाती, नहीं तो मेरे को ठंडी लगती थी बहुत ज़्यादा। एंड दिस इज़ अ कॉम, ये हर एक लेडी के साथ होता है, आई थिंक मेल के पास भी होता है, दोलो भी है। ये कभी कभार क्या होता है, जैसे आजकल ये मेजर प्रॉब्लम है, सेट पे ही होती हूँ और 9 बजे हमारा लाइव आता है, अब हमारा शो जो ऑन एयर जाता है, तो सेट पे सबके सामने आवाज़ नहीं आती है लेकिन हमें देखना है क्योंकि वो बहुत मतलब एक हफ्ते से हम वेट कर रहे हैं कि हमारा कैसा आया है, हमें देखना है, तो कल की बात है, तो सर उधर से मतलब बहुत सेट पे ना शोर होता है ना, तो ये बहुत ज़रूरी है, कान में डालो और बूट पे देखो अपना एपिसोड। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ऐप्स में ना वो सारे म्यूज़िक नहीं आते हैं जो प्रॉपर यू नो टेलीकास्ट के टाइम दिखाते हैं, दिस इज़ अगेन अ हैंड सैनिटाइज़र, और ये भी बहुत ज़रूरी है, अगेन अ क्लच, रबर बैंड, ये क्या है, ये कुछ बिल होगा, और हाँ मेन तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है घर की चाबी। इसकी मेरा तो हाँ
मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। सैनिटाइजर्स तो भर भर के हैं मेरे पर्स में। तो सबसे ज़्यादा कम आई थिंक मुझे लगता है आप लोगों को सिर्फ पैसे ही दिखे। 100 रुपये निकले, वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। और क्या है, हाँ, गहना कार्ड। सो या दैट्स इट, इतना ही है आई थिंक। ये डेली के लिए इतना तो बहुत बहुत ही हो गया है आई थिंक, है ना? आई थिंक आप लोगों के पास भी होता ही होगा जो मुझे देखा। जब आप निकलती घर से तो इन सब चीज़ों में मदद कौन करती है? कोई नहीं, नहीं, मैं अपनी चीज़ें मैं खुद करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि मेरा सारा सामान कहाँ पे है। तो मैं हाथ ऐसे अंदर करूँ तो मुझे सब कुछ मिलना चाहिए, तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं जो कपड़े एंड ऑल एवरीथिंग, मेकअप का जितना भी सामान है जो घर पे है, वो सब कुछ मैं जानती हूँ कि कहाँ क्या है। तो वो अगर कोई और करेगा तो मुझे पता ही नहीं होगा, जबकि मेड है, बट आई डोंट वॉन्ट हर टू डू।